I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. This vlog is all about riding. इसको ऑफ्रोडिंग में अबाउट 5 years हो गए हैं अब. स्ट्रेट हमने ना सुबह का प्लान बनाया था कि आज हम पूरा करगिल जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे. हम बहुत ही कम ब्रेक्स लेंगे बीच में क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करनी है और दानी साहब को फिर वापस अपने होम टाउन बांडीपुरा भी जाना है, मुझे भी घर वापस जाना है और इफ्तारी का टाइम भी है. सो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ से निकल जाएंगे. चलो जी दानिश साहब आप चलते हैं जनाब, हमको बहुत सफ़र निकालना है यार. मैं तब तक नीचे बाइक उतारता हूँ. अब हम जोजिला पास से निकल गए, चलते आगे और आपको कुछ और आगे शॉट दिखाते हैं. क्या हो गया भाई ऑफ रोडिंग के चक्कर में? हमने बहुत टाइम वेस्ट किया. उम्मीद करते हैं कि अब हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलेंगे. नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है. चलो दानिश को ही चलने देते हैं आगे यार. ये अच्छा ऑफ रोड कर रहा है. कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल. आई मीन जितना मैंने सीखा हुआ था बहुत सालों से, टुडे इट इज पेइंग मी बैक. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लर्निंग डे बाय डे. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. ओ ओ ओ दिस इज नाइस. जस्ट हैव टू यू नो गो विद द फ्लो. बर्फ़ की चादर लगी हुई है, फ्रेश स्नोफॉल. दानिश मेरे पीछे पीछे चल रहा है अभी, बस आगे ध्यान रखना है कहीं गाड़ी तो अचानक से ना आ जाए. शिफ्ट योर वेट बैकवर्ड्स बट यू नीड टू बैलेंस बोथ द टायर्स, दैट्स अ स्किल. एंड यू नीड टू टिल्ट योर बाइक, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. दानियाल इज जस्ट डूइंग वंडर्स. यस 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 यस. आई डोंट थिंक दैट आई एम एवर गोइंग टू shift my bike to some other ride style. Come on man, aaram se. Kya ho? Oh man, bahut hi achhi speed se ja rahe hum dono aur क्या बताऊं? We're loving it. आहा, हम नाम कुछ ही टाइम में मता इन पहुंचने वाले हैं. Matain is just 8 kilometers now. बहुत ही मज़े इस रोड के. और दानिश अभी मेरे पीछे चल रहा है एंड मैं इसका थोड़ा स्लोली चल रहा हूँ ताकि वो भी कैचअप कर ले. जब मैंने पहले बाइक चलाई थी KTM 300 एडवेंचर इस वाले रोड पर, तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट अब ना मैंने इस बाइक को किसी हद तक समझ लिया और प्रैक्टिस से तो इंसान सीखता ही है.
अभी ना हम यहाँ पर अपनी ना एंट्री कर रहे हैं। सो अभी हम यहाँ रुके थे मताइन में, एंट्रीज होगी कर्ग्यू के लिए, एंड नाउ हम आगे की ओर चल देंगे, बहुत ही मज़े आएंगे। चलो 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 चलो, बाद में मैं ये मत करो। हम लोग ना बहुत ही एक्साइटेड है। लाइक कोविड टाइम्स में मैंने 2-3 बार लद्दाख विजिट किया, बट उतना मज़ा नहीं आया। टाइम हो रहा है अभी 1 बजे, और 1 बजे हमने मताइन जो है क्रॉस कर लिया है। आगे के सफ़र के लिए आपको अब और अपडेट करते रहेंगे। ये बेचारे लोग तो अभी रुके हुए हैं। हम पहले इस स्लाई वाली ट्रैफिक से निकल लेते हैं पहले। लेट्स सी। Good. Oh, 140. 130, 140 is just a piece of cake for this machine. देख लो आगे का कैसा टेरेन है, कैसी टोपोग्राफी है आगे। बस अपना बॉडी वेट शिफ्ट कर रहा हूँ एंड इट जस्ट ग्लाइड्स टू राइट एंड लेफ्ट। सो बस इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि प्रैक्टिस से आप सीख सकते हो, क्योंकि ऑफ रोडिंग में बैलेंस इज बैकबोन। टाइगर हिल भी यहीं से पड़ता है। टेरेन तो एकदम बहुत ही बढ़िया है। ओ क्या नज़ारा है, लाइक दिस टोपोग्राफी इज लाइक इनसेन। और ना जो रिसेंट स्नोफॉल यहाँ पर हुआ, उससे की ब्यूटी और निखर चुकी है। यहाँ पे कैंपिंग का तो क्या मजा है यार। ओ पानी तो अमेजिंग है यार। भाई क्या प्लान है अभी? बस अभी ना हम GoPro की बैटरीज चेंज कर रहे थे, और जो बैटरीज एग्जॉस्ट हुई है उसको चार्जिंग पे लगाएंगे जी। हम कैमरा स्वैप करेंगे ताकि हम एक दूसरे का कंटेंट बनाए अब। और नज़ारा दिखा दो यार। हमने अभी क्या कर लिया, अपने अपने GoPros स्विच कर लिए हैं। इश्फाक भाई ने मेरा ले लिया और मैंने इश्फाक भाई का।
सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। क्या बात है, मजा कर रहे हो। हम तो टाइम से पहले पहुंच गए। अरे टाइम क्या है? वो किसने देखा है कितने बज गए? हमने ना बहुत सारा टाइम बीच में स्पेंड किया, बहुत सारे फोटोज वीडियोस लिए, सो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम इस टाइम पर पहुंच पाएंगे। हमने 2:30 बजे का टारगेट रखा था बट हमने 1:30 बजे के अंदर अंदर इसको कर लिया। ये द्रास का मार्केट है, मैन मार्केट यहाँ का। ये था द्रास, अब हम करगिल की तरफ निकले हैं। ये इसफाक भाई, इसफाक भाई के राइडिंग स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे राइडर है। पाक भाई को राइडिंग में ही ज़्यादा मज़ा आता है, ऑफ रोडिंग में अलग मज़ा है, ऑन रोड अलग मज़ा है। ये निकले इशफाक भाई। इशफाक भाई के पास ऑफ रोडिंग की बहुत ही ज़्यादा स्किल्स है इनके पास ऑफ रोडिंग में। ये एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, जितना इंसान राइड करेगा उतने स्किल्स, उतनी एक्सपीरियंस हो जाती है बंदे को। उसको ऑफ रोडिंग में अबाउट 5 ईयर्स हो गए हैं अब ऑफ रोडिंग करते करते। अभी हम पहुँचेंगे खरबू। खरबू इज़ जस्ट 4 किलोमीटर्स। आज तो KTM एडवेंचर के मज़े आ गए। लाइक दिस इज सो निम्बल, बहुत ही निम्बल है। अभी बस 22 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स रह गए। टायर तो अच्छा खासा घिस चुका है बट स्टिल इट्स परफॉर्मिंग वेल। ऑन दिस रोड स्पीड लिमिट इज 60 किलोमीटर्स बट आई कुड सी पीपल फ्लाइंग एट 100, स्पेशली द 4-व्हीलर्स। करगिल तो बस 19 किलोमीटर रह गए अब, बस हमको उसके बाद बकल अप करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कर लेंगे यार, हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ इस वाले स्पॉट पे तो शूट करना ही करना होता है। एक सीधे रोड मैन। क्या बढ़िया मज़ा है यार। Oh, I love the color of these rocks. It's kind of bronze, chocolate, purple. Looks good. Mulbeck. सुबह से हम 205 किलोमीटर चल चुके हैं।
ना एक बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स लिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत सारी चीज़ें हमने की, उस वजह से टाइम लग गया। कोशिश यही रही कि करगिल पहुंचते ही हम जल्दी जल्दी वहां से निकल जाएंगे और रिटर्न में हम कोई वीडियोग्राफी कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे। आगे तक स्ट्रेट जाता है और ऐसे कर्व्स में ये रोड जाता है पूरा अप, 6 किलोमीटर रह गए बस अब। लवली, जब हमला हुआ था टाइगर हिल से इस हाईवे पर तो ये दीवार तक बना दी गई थी ताकि हम उनकी रेंज में ना आए। ये उस पहाड़ी के पीछे टाइगर हिल है। दानियाल को अब करगिल नहीं मिलेंगे। ऐसे ना कोई नई बाइक थी यार। दानिश 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 सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं करगिल में। यस वी आर इन करगिल। ये बैक साइड वाला एरिया है, इसके राइट साइड से इधर आपको मार्केट मिलेगा और यहीं से हमको पारसास भी मिलता था। तो अभी हम ना यू टर्न देके वापस निकल जाएंगे।